राजस्थान मंत्री मोदी बिहार से आज चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के पक्ष में जनसभा को संबोधित पीएम मोदी आज करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेतिया में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज कैसे जमुई में सिक्का जमाने वाले हैं, बिहार के वोटर्स को कैसे प्रधानमंत्री मोदी भरोसा देंगे, ये देखेंगे हम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है। जमुई के अलावा चार और लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी आज साधते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनसभा को भी जमुई में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये पहला मौका है जब बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जमुई लोकसभा सीट से आपको बता दें, एलजेपी यानी कि उनको सीट मिली है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी बिहार के लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार के लोगों का वोट पाने के लिए कौन सा अलग भरोसा है जो पीएम मोदी आज मंच से दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी प्रचार बेतिया से करते हुए नजर आएंगे। अस्मित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्मित, जमुई के साथ साथ चार और लोकसभा क्षेत्र आज पीएम मोदी साधने वाले इस दौरे से। नहीं बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का बिहार दौरे की आज से शुरुआत हो रही है और इसके बाद वो नवादा भी आएंगे। प्रधानमंत्री दरअसल आज चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। खैरा पहुंचेंगे, 12 बजे के लगभग वो मंच पे मौजूद रहेंगे। वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, हम बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने एनडीए के कार्यकाल में काम किया है और क्यों अरुण भारती को चुनाव में इस बार जिताया जाए। अरुण भारती जो है वो चिराग पासवान के परिवार में आते हैं, जीजा जी बताए जाते हैं चिराग पासवान के, और इसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार हमलावर है। चिराग पासवान ने लेकिन आज करेंगे, वहां से वो हेलीकॉप्टर से जमुई आएंगे और जमुई के बाद मन से गया। ठीक है अस्मित, आपके पास मैं लौटूंगी। बड़ी जानकारी आपको लगातार हम बता रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी हैं अरुण भारती, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। खैरा में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे क्योंकि ये पहला मौका है लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे परिवारवाद को लेकर कटाक्ष किया था, और आज एक बार फिर से अब ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी मंच से किन किन बातों का जिक्र कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई में लोकसभा के लिए राज्य में पहली बार जनसभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के तहत जो लोजपा रामविलास पासवान की उनके उम्मीदवार अरुण भारती उनके समर्थन में रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। संभावना करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जमुई रैली से पहले आपको बता दें एलजेपी रामविलास पासवान अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनको तगड़ा झटका भी लगा है। आपको याद होगा 22 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है, इसमें कई बड़े नाम भी हैं। अस्मित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अस्मित, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को भी एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक साथ 22 बड़े चेहरों ने उनका साथ छोड़ दिया है। नहीं बिल्कुल, देखिए कल पार्टी के नेता थे रविंद्र सिंह, उन्होंने उनके साथ साथ 22 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और आरोप लगाए थे चिराग पासवान के क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया। लेकिन आज देखिए जब प्रधानमंत्री जमुई के मंच पर होंगे तो वो सीधे तौर पर बताएंगे कि कैसे आरजेडी में जंगल राज की जो बात की जाती थी, क्योंकि आज से दो दिन पहले पलक जब प्रधानमंत्री बूथ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि जंगल राज जो पहले दिखते थे उनको बताइए लोगों को, नीतीश कुमार का जो काम हुआ है बिहार में उसको जनता को बताइए, तमाम बातें अपने समर्थकों को बता रहे थे। जब जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो ऐसा एक भी मौका नहीं होता जब पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कुछ ना कहा हो मंच से। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का मैं ट्वीट देख रही हूं आपसे थोड़ी देर पहले, तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने को लेकर, और इसमें वो भी परिवारवाद का जिक्र करते हुए नजर आ रहे। बाकायदा उन्होंने कई पॉइंटर्स इसमें दिए हैं, 14 पॉइंट इसमें दिए हैं परिवारवाद को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी निशाना साधते हैं, दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव भी निशाना साध रहे हैं। नहीं बिल्कुल, तेजस्वी को इस बार मौका मिला है देखिए पलक, क्योंकि जिस तरह की बात होती थी और प्रधानमंत्री जब जब बिहार आए हैं तो वो परिवारवाद को लेकर के लगातार बोलते रहे हैं। परिवारवाद की बड़ी पार्टी कोई रही है पूरे बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल रही है और प्रधानमंत्री इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, और इस बार तेजस्वी ने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि चिराग पासवान ने इस बार
पार्टी ने 3 टिकट जो है अपने परिवार में रखा है। एक अरुण भारती उनके जीजा जी हैं, खुद चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने ही अपनी माँ को भी वैशाली से सोचा है लड़ाने के लिए। तो तमाम ऐसी बातें हैं इस बार, क्योंकि आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिला है, वो मुद्दा ये भुनाना में कोई पीछे नहीं हट सकता। और यही बात है कि लगातार जो है तेजस्वी यादव बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, और राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई के स्टेज से चिराग के जीजा जी को लेकर के कुछ बोलेंगे, ये देखना होगा। परिवारवाद आखिर कहाँ चला गया, सिर्फ आरजेडी में परिवारवाद नहीं है, अब एनडीए में भी परिवारवाद दिखने लगा है। तो अस्मित क्या माना जाए, पीएम मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो इस बार भी क्या जो लालू के जंगल राज का भय दिखाएंगे, या कोई बड़ा गिफ्ट बड़ा तोहफा बिहार वासियों को आज देने वाले हैं? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री 12 बजे जब आज जमुई पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल रहा बिहार में, जो जंगल राज की बातें होती हैं, जो महिलाएं पहले कैसे नहीं निकल पाती थी, ये सभी बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि आज से उनका बिहार दौरा शुरू हो गया है, आज अभी से 2 दिन बाद फिर से वो नवादा आएंगे, वहां भी विवेक ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे जो वहां के प्रत्याशी हैं। तो तमाम बातों का जिक्र आज मन से होगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव आरजेडी के शासनकाल में लोगों ने कैसे भय वाला जिंदगी व्यतीत किया था, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एनडीए में है। तो प्रधानमंत्री आज से 2 दिन पहले जब बूथ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को जनता को बताइए, जंगल राज कैसे था बिहार में, ये तमाम चीजों को बताइए। तो बिल्कुल चुनावी बिगुल अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचेंगे और वहां से चुनावी बिगुल फूंकते हुए पीएम मोदी अस्मित नजर आएंगे। नजर आप रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।